तो चले फटाफट बताते हैं कि आप अपने जीमेल के सारे मैसेज एक साथ कैसे डिलीट करें। तो हमारी इस वीडियो में बने रहें, आपको फुल ट्यूटोरियल के साथ बताएंगे कि आप एक ही साथ में एक ही झटके में सारी जीमेल जो है डिलीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने जीमेल पर चले जाना है। जीमेल पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर देख रहे हो उनको मिल जाता है थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही देखने को मिल जाता है मेरे दोस्त ऑल इनबॉक्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी सारी जीमेल जो है यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर टैप करके रखना है। टैप करके जैसे रखोगे तो ऊपर देखोगे आपके यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देना और क्लिक करके यहाँ डिलीट कर देना है, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन 4G फ़ोन में जो है यहाँ पर जब क्लिक करके आप रखते हो तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ डिलीट का ऑप्शन आता है। तो कैसे आप 4G फ़ोन में हमेशा के लिए सारी जीमेल जो है डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ इसको कट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे करना है। तो अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल पर चले जाना है। जैसे गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाओगे तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है www.gmail.com, ठीक, www, ठीक है, जीमेल आपको यहाँ पर सर्च कर लेना, ठीक मेरे दोस्त, gmail.com, ठीक है। उसके बाद में ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जीमेल गूगल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आता है, यानी कि आपकी जीमेल जो है यहाँ पर ओपन होकर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको थ्री लाइन पर चले जाना है, ठीक, थ्री लाइन पर, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाता है ऑल मेल का ऑप्शन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है मेरे दोस्त। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी सारी जो जीमेल है यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर ओपन का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो है जीमेल खुलकर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइप करके रखना और देखेंगे यहाँ सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ डिलीट कर देना है, इस पर आपको टाइप करके रखना है, फिर यहाँ सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है, सेलेक्ट करना और उसके बाद डिलीट कर देना, टाइप करना, सेलेक्ट करना, डिलीट कर देना, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे सारी की सारी जो है आपकी ईमेल्स जो है डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और उसके बाद में यहाँ से जब डिलीट करोगे तो यहाँ से एक और ऑप्शन होता है, जो सारी जीमेल आपकी डिलीट वहाँ पर पहुँच जाती है, तो उसको भी वहाँ से आपको हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से बैक होते हैं, फिर बैक होते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को थ्री डॉट मिलता है, उसके बाद यहाँ पर बिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बिन का ऑप्शन मिल जाता है, इस बिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी सारी जो डिलीट होती हैं यहाँ पर आ जाती है, आपको यहाँ से भी सारी की सारी डिलीट कर देनी है, ठीक मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त।